बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमारा लेसन नंबर 11 है जिसका टॉपिक है लैंग्वेजेस इन कम्युनिकेशन, लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन। ठीक है, लैंग्वेज जो होती है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कम्युनिकेशन के सारे प्रोसेस में। अगर जब तक आपको कोई लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, आप किसी का कोई भी पैगाम जो है वो समझ नहीं सकेंगे। ठीक है, अब इसमें जो उन्होंने सबसे पहली बात जो डिस्कस किया, उन्होंने कहा है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो चीज़ों को डिस्कस किया है कि कम्युनिकेशन में कौन कौन सी लैंग्वेज होती है, एक तो वर्बल लैंग्वेज। हमने वर्बल क्या होता है, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर सुने होंगे तो आपको वर्बल का भी पता होगा और नॉन वर्बल क्या होता है। अगर नहीं सुने तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। वर्बल जो होता है वो उसमें ये होता है कि रिटन और स्पोकन जो भी लैंग्वेज होती है वो आपकी वर्बल में आती है। साइंस और सिंबल्स जो होते हैं जिसमें 5 सेंसेस का यूज़ होता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। ठीक है, उसके बाद हमने और भी पीछे लैंग्वेज पढ़ी हुई है मैंने कम्युनिकेशन की, अगर आपने वो मेरे लेक्चर सुने होंगे तो आपको ये समझ आ जाएंगे। टाइम एंड स्पेस की लैंग्वेज हमने समझी थी, ये भी प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है कि टाइम एंड स्पेस को किस तरह अंडरस्टैंड किया जाता है। द वर्ड स्पोकन जो है फिर उसको किस तरह हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। पिछले साल के जो 400 साल पहले के लोग थे उनकी लैंग्वेज हमने किस तरह समझी है, ये सारी बातें जो हैं पिछले लेक्चर में डिस्कस की जा चुकी हैं। ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट्स कह रहे हैं कि इन सब हकीकत को जानते हुए अगर हम साइड पर रखें, लैंग्वेज हैज़ बिन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सबसे मजबूत आला है कम्युनिकेशन का। दे आल्सो हैव इनेट फ्लॉज विच हैम्पर कम्युनिकेशन, कि ये जो है आपके कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए, इसको फ्लो में रखने के लिए, इसको ये एक आले के तौर पर इस्तेमाल की जाती है लैंग्वेज। जो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन में जो लैंग्वेज हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसमें ये चीज़ आएगी कि आपको किसी चीज़ के बारे में डिसाइड, किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग कोई पोजीशन के बारे में कुछ डिसाइड करते हैं, कोई इसका मायना करके करते हैं। ठीक है, किसी के एट डेट टाइम्स क्या होता है, पीपल आर मेड टू टेक एन एक्सट्रीम पोजीशन। एक वक्त ऐसा होता है कि लोगों को हम बहुत ज़्यादा ऊंची जगह पे रखते हैं, मतलब कि कोई हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कोई अहम होता है जिसे हम अपनी लाइफ में बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन पे रखते हैं। तो अगर कोई इंसान है उसके बारे में कोई पूछा जाए कि यार ये कैसा है, तो आपका फ्रेंड होगा, आपको अच्छा लगता होगा, वो आपका बड़ा करीबी होगा, तो आप कहेंगे यस ही इज़ गुड, ही और शी इज़ गुड। लेकिन अगर किसी वही शख्स किसी दूसरे इंसान की नज़र में आपने तो उसके साथ टाइम गुजारा है, आपका एक्सपीरियंस रहा है, आपने इसे एग्जामिन किया है, तो दैट्स मीन आप लोग सजेस्ट कर देंगे डेट ही और शी इज़ गुड। अगर वही इंसान किसी और की नज़र में या उसको किसी कोई ऐसी हरकत जो आपको उसकी पसंद हो उसको ना पसंद हो, तो वो उससे पूछेगा तो वो कहेगा दैट ही इज़ ही और शी इज़ बैड। ठीक है, एज अ टाइम ऑफ इलेक्शंस, इलेक्शंस के वक्त भी ऐसा ही होता है, तमाम तर लोग सिर्फ एक पार्टी का सपोर्ट नहीं करते, आपको हर पार्टी के मुख्तलिफ पार्टीज़ के जो होते हैं वो सपोर्टर मिलेंगे। एक के नज़दीक जो होती है एक पार्टी बड़ी मकबूल और पसंदीदा होती है, वही पार्टी दूसरे के नज़दीक बड़ी नफ़रत हो रही होती है, वो उसे बड़ा हेट कर रहा होता है और उसे बड़ा नफ़रत और तनकीद की निगाह से देख रहा होता है। और आप जो वो पार्टी पसंद कर रहे होगा आप उसको तनकीद कर रहे होगा, आप उसको नफ़रत कर रहे होगा। तो ऐसा जो होता है हमारे पॉलिटिशियंस में भी, सियासत के मैदान में भी हमारा इसी तरह होता है कि हम किसी सियासतदान को जिस तरह परस्यू कर रहे होते हैं अगला बंदा वैसे परस्यू नहीं करता। ठीक है, उसके बाद जो फीलिंग डज नॉट अलाउ यू टू कम्युनिकेट द एवरी ट्रूथ्स अबाउट समथिंग यू हैव अ डिफरेंट फीलिंग्स। हर इंसान की हर एक के बारे में अलग अलग फीलिंग्स होती हैं, कोई भी सेम तरह से नहीं सोच सकता। ठीक है, लेबलिंग अपने अंडरस्टैंड करना है कि आप किसी इंसान को, हमारी लाइफ में लेबल जो होता है हम किसी इंसान को लेबल दे देते हैं, ही इज़ अ जॉली मैन, कोई फनी है, कोई हसार है, तो हम उसको जॉली के नाम से याद करेंगे कि ये जॉली है, ये हंसाता रहता है, ये वो। इस तरह हम किसी को किसी के जज्बात की उसको परखने के बाद हम उसको जो है नाम दे देते हैं। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल लेबल कर दिया जाता है वो शख्स को। ठीक है, पीपल ऑफ सेम ट्राइब एंड क्लेम, मतलब किसी को कास्ट के साथ लेबल कर दिया, वो चौधरी हैं, वो बट हैं, वो जट हैं, ये सारा जो है लेबल कर दिया जाता है। ठीक है, और इसमें जो उन्होंने आगे जाके एग्जांपल दिया है वो यूनाइटेड नेशन की दी है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था
कि यूनाइटेड नेशन जो है पूरी दुनिया की एक तंजीम है जिसमें अगर किसी भी मुल्क को किसी दूसरे मुल्क से कोई प्रॉब्लम है तो वो वहाँ जाएगा और वहाँ पे अपना जो है आवाज़ बुलंद करेगा उस मुल्क के ख़िलाफ़, तो यूनाइटेड नेशन जो है उसको सपोर्ट करेगी या उसके लिए कोई कदम उठाएगी। तो यूनाइटेड नेशन का जब वक्त आता है तो हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं वो उसकी तरफ देख रही होती हैं, वो एक लेबल कर दिया गया है कि ये हमारे लिए हेल्प के तौर पर आएगी। ठीक है, इस तरह स्टेट्स मीनिंग है। स्टेट मीनिंग्स में क्या होता है कि आप किसी को स्टेटस के नाम से याद कर लेते हो। अगर एक इंसान है वो आपके पास रह रहा था, उसके हालात तब अच्छे नहीं थे, फिर क्या हुआ वो अमेरिका चला गया, सेटल्ड हो गया, उसकी लाइफ बहुत अच्छी चलना शुरू हो गई, लेकिन आप उसे अच्छे बाद में मिलोगे तो आपके जहन में वही होगा, अच्छा ये वही शख्स है, इसका स्टेटस ऐसा था ऐसा था ऐसा था, लेकिन चाहे उसको अरसा गुजर चुका हो। तो जो स्टेट लैंग्वेज होती है, आप किसी को स्टेटस के नेम से याद करना शुरू कर देते हो, उसकी इकोनॉमी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या थी जो भी थी आप उसको स्टेटस के साथ जोड़ देते हो। ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जैसे क्रिमिनल का लफ्ज़ हमारे दिमाग में आता है तो हमारे जहनों में एक डिपार्टमेंट घूमता है, वो है पुलिस का। ठीक है, तो इनडिस्क्रिमिनेशन में हम लोग महाफ़ज़ के बारे में, जब भी हमारे जहन में कोई बात आएगी तो हमें ज़रूर अपने महाफ़ज़ जो होंगे वो हमें पुलिस की डिपार्टमेंट की तरफ ही हमारी नज़र जाएगी। तो मतलब ये हमारे माइंड सेट हो जाता है, कोई भी लफ्ज़ आ जाएगा, लफ्ज़ के साथ पूरा मैसेज, पूरा एक थीम, एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अगर एक लफ्ज़ आ गया तो उसके साथ हमारे जहन में बहुत कुछ आ जाएगा। इसमें मैं फर्दर एग्जांपल दूं जो कि इस लेक्चर में नहीं है लेकिन आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर एम्बुलेंस का लफ्ज़ आ जाएगा, हॉस्पिटल का लफ्ज़ आ जाएगा तो आपके जहन में साथ ही जो है एम्बुलेंस तो इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाएगी, हॉस्पिटल आएगा तो डॉक्टर्स और पेशेंट की सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, ये जो लफ्ज़ होते हैं, ये जो ज़ुबान होती है, ये लैंग्वेज होती है, ये हमारी सिचुएशन के साथ जुड़ी होती है। आगे पर्पस ऑफ डिबेट कह रहे हैं, डिबेट का क्या होता है, एक टॉपिक दे दिया जाता है उसके बारे में आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी जो होती है एक बंदा करके आपको अपने लफ्ज़ों में बताता है और आप उस टॉपिक को बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हो। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था कम्युनिकेशन लैंग्वेजेज़।